जय हिंद दोस्तों। तो हमें काफ़ी कमेंट मिले थे कि आप ORB सीरीज़ में कौन सा इफ़ेक्ट सही है या अच्छा है, आप एक वीडियो बनाइए। तो हम ये जो 24 इफ़ेक्ट है ORB सीरीज़ में, इस सारे इफ़ेक्ट को हम आज चेक करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे कौन सा इफ़ेक्ट किस चीज़ के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले ये इफ़ेक्ट नंबर वन है। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए इसमें इफ़ेक्ट कैसे सेट करते हैं और ये पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। जैसे हमें यहाँ से इफ़ेक्ट नीचे या ऊपर कहीं पे भी सेट करने थे, इसको घुमा के आप नंबर सेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर, और जिस इफ़ेक्ट को आपको रखना है उसको यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ये इफ़ेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमने सिलेक्ट किया है नंबर वन, और नंबर वन इफ़ेक्ट को हम देखते हैं उसमें कैसे इफ़ेक्ट है। तो एक ऐसी है रिवर्ब इफेक्ट, इसमें आप गा भी सकते हैं मंजिलों पे आके, और इसको थोड़ा सा सेट करेंगे तो हम एक अनाउंसमेंट के लिए भी एक अच्छा इसमें इफेक्ट है। इसके पैरामीटर्स को अगर हम चेंज करें, हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक, तो जिस तरह से आपको सेट करना है यहाँ से हम पैरामीटर भी उसका सेट कर सकते हैं। और अभी हम सिलेक्ट करते हैं इफेक्ट नंबर दो। और पहले नंबर की इफेक्ट जो है वो हम अनाउंसमेंट या सिंगिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये रिवर्ब हॉल टू इफेक्ट है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दो नंबर, देखते हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फर्क है उसके पैरामीटर्स में और वन और टू में, तो इसको पैरामीटर को यहाँ से हम चेंज करेंगे। तो ये रिवर्ब इफेक्ट है दो, और तीन ये रूम वन और टू हॉल है, ये रूम इफेक्ट जो इफेक्ट नंबर थ्री। ये सारे सिंगिंग में हम यूज कर सकते हैं, गिटार में यूज कर सकते हैं, वायलिन में यूज कर सकते हैं, फ्लूट में यूज कर सकते हैं, और यहाँ से इसका पैरामीटर हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई गाने में सेट करना है, इसको हम ऑल फोर का भी इफेक्ट देखते हैं, सेम टू सेम, थोड़ा सा फर्क है। एक दिन मिल जाए, तो ये अगर कोई सॉफ्ट सा गाना है, सॉफ्ट सा गाना है, तो आप ये इफेक्ट चार नंबर थोड़ा सा पैरामीटर चेंज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी सिंगिंग के लिए एक दो तीन चार और ये पांच जो इफेक्ट है उसको भी हम सेम, ये सारे रिवर्ब के हमारे सेटिंग है। और सिक्स नंबर में लिखा है रिवर्ब स्टेज टू, चले टेस्ट। तो ये शायद गाने में इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई किसी गिटार वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और रिवर्ब और प्लेट, चेक चेक तो ये अगला इफेक्ट है। ये भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, जैसे कोई ड्रम में भी यूज़ करते हैं, गिटार में भी यूज़ करते हैं। गेट एंड रिवर्ब, ये हमारा सॉरी अर्ली रिवर्ब, ये ड्रम का इफेक्ट यहाँ पे, सॉरी आठ नंबर है, ड्रम AMB। ये इफेक्ट जो है वो ड्रम के लिए है, तो इसके पैरामीटर को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा ही है। फिर अर्ली डिले है अपना नौ नंबर, सॉरी सिंगल अर्ली रिवर्ब। ओके ओके, चेक चेक टेस चेस टेस, तो ये नौ नंबर का इफेक्ट है हमारा, इसको भी गाने में हम दे सकते हैं। फिर ये अपना दस नंबर है गेट और रिवर्ब, चेक चेक टेस, हेलो 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 हेलो। फिर ये है 11 नंबर सिंगल डिले, चेक हेलो चेक चेक टेस, हेलो चेक 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 हेलो हेलो। यानी एक बार ये आवाज को रिपीट करता है, इस तरह का अपना सिंगल डिले है। फिर 12 नंबर अपना डिले है, हेलो 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 हेलो, और इसकी स्पीड को हम पैरामीटर से चेंज कर सकते हैं। जैसे चेक 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 चेक,
चेक 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 हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 चेक 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 मंजिलों पे आके लुटते। यानी आप इस डिले को, जैसे डिले कोई भी सेट होता है डी डी थ्री वगैरह, उस तरह से आप इसमें इफेक्ट बना सकते हैं 12 नंबर में। फिर अपना है वोकल इको, चेक 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 चेक। देखिए इस इफेक्ट को आपको समझना होगा कि ये वोकल इको सही में बहुत ही सही है वोकल के लिए। इसमें हमें रिवर्ब भी दिया गया है और डीले भी हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही सही इफेक्ट है एक सिंगर के लिए। और इसको पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं। हर 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 चेक 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 हो दुनिया मांगे अपनी मुरादे मैं तो मांगू साजन। इसका पैरामीटर को थोड़ा चेंज करते हैं। चेक 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 हो 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 हो। तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये 13 नंबर की इफेक्ट मेरे ख्याल से बहुत सही है। 14 नंबर हेलो चेक चेक, ये फिर से कोई कह रहे हो के लिखा है लेकिन पता नहीं है। ये हेलो 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 चेक 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 चेक। इसमें भी हमें डिले ही दिया गया है। जैसे आप पैरामीटर से डिले सेट करना चाहें कर सकते हैं। फिर ये अपना 15 नंबर फेसर हेलो हेलो। ये सारी जो इफेक्ट ये आ रही है गिटार में और वगैरह में यूज होती है। अगर इसमें आप देना चाहें तो फिर ये है अपनी 16 नंबर फ्लेंगर। ये सारे गिटार के ट्याओ 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 ऐसे गिटार में ये यूज होने वाली इफेक्ट है सारी जो अभी आप देख रहे हैं 16 नंबर। फिर 17 नंबर है अपनी कोरस। यानी ये भी आप गिटार में या फिर गाने में तो नहीं दे सकते, गिटार की इंस्ट्रूमेंट की ये कोरस इसमें है 18 नंबर। यानी जिस अंदाज में या जिस सुर से मैं बोल रहा हूँ उसके नीचे का ऑक्टेव और ऊपर का ऑक्टेव दोनों साथ में ये क्रिएट करके बोल रहा है। देखिए हेलो आप कहाँ हैं, सुनिए मैं इफेक्ट सेट करता हूँ। तो ये जैसे आपका कोई कोई स्पेशल इफेक्ट है बोलने में देना है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट में तो आप कर सकते हैं। ये है 19 नंबर सिम्फोनिक चेक टेस्ट हेलो 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 हेलो। ये भी फिर से गिटार वगैरह के लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए है। 20 नंबर टेम्पोलो, ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट की ही इफेक्ट है। जैसे देखिए एक 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 इम्प्रूव होके मेरे आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पे इफेक्ट हमें दे सकते हैं। जैसे 21 नंबर ओटोवा हेलो 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 चेक टेस्ट। ये सारे गिटार में क्यों 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 क्यों, जैसे गिटार हो गया उसी में ये ज़्यादातर इफेक्ट हम दे सकते हैं। यानी गाने के लिए, बोलने के लिए और इंस्ट्रूमेंट के लिए, रिदम के लिए सारे इसमें इफेक्ट दिए गए। देखिए हेलो चेक टेस्ट, ये रेडियो वॉइस है, ये आकाशवाणी है, ये वो वाला रेडियो नहीं, बोलो हेलो चाली टू टेंगो टू चाली टेंगो, ये वाला रेडियो वाला इफेक्ट है वो इसमें हम दे सकते हैं। फिर ये 32 डिस्ट्रोशन, ये भी गिटार का ही एक है। हेलो 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 चेक 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 चेक। ये 23 नंबर जो इफेक्ट है वो क्रॉस फीडबैक डीले मुझे दिख रहा है। लेफ्ट और राइट में आवाज, एक हेलो एक आवाज इसके लेफ्ट में आएगी एक राइट में आएगी, इस तरह से उसको इसमें, ये भी आप गाने में यूज कर सकते हैं। चेक 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 जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, तो ये भी गाने में हम यूज कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी है, स्टीरियो इफेक्ट इसमें है। और 24 नंबर लास्ट पिच चेंज, यानी इसमें हम ऑक्टेव सुर चेंज करके कुछ होगा, देखिए क्या है। चेक टेस्ट, यानी आपकी आवाज की पिच को, यानी जो सुर है उसको बढ़ा के पीछे सुना रहा है। देखिए हेलो हेलो ये भाई हेलो यहाँ पे आ जाओ। और इसमें अगर हम पैरामीटर्स चेंज करते हैं, हेलो 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 चेक टेस्ट,
यानी इसमें जिस तरह से हम चाहें उस तरह से पिच हम बढ़ा या घटा सकते हैं, ये गिटार के लिए भी उपयोगी होगा। और इससे हम कुछ अगर आवाज़ में इफ़ेक्ट देना चाहिए तो इसमें भी हो सकता है। तो ये है अपनी ORB सीरीज़ की सारी इफ़ेक्ट्स जिसको हमने एक्सप्लोर किया। भारत माता की जय।